गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इन्हें कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लैग्रांजिस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ को एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो से एलिमिनेट करके हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर फॉर्म करी थी, जहां पे पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन थे, साथ ही पी इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड, क्यू इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स एंड आर इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई थे हैं। तो एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो जो है वो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन है। तो हमें यू एक्स वाई जेड एंड वी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एंड वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी बी टू इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अब हम u इज इक्वल टू ए एंड v इज इक्वल टू बी दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल u अपॉन डेल x dx प्लस डेल u अपॉन डेल y dy प्लस डेल u अपॉन डेल z dz इक्वल टू जीरो एंड डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy प्लस डेल v अपॉन डेल z dz इक्वल टू जीरो, दो हमें इक्वेशंस मिलती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, dx अपॉन दिस dy अपॉन दिस एंड dz अपॉन दिस। जब आप कैपिटल P Q R के मान इसको कंपेयर करेंगे तो ये पूरा का पूरा P के बराबर है, ये Q के बराबर है और ये R के बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें u इज इक्वल टू ए एंड v इज इक्वल टू वी दो इक्वेशंस प्राप्त होती हैं, जो कि इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है f ऑफ uv इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम लैग्रांजिस मेथड का यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशन थर्ड है dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये जो इक्वेशन है ये लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। तो लैग्रांजेस मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, जहां पर पी जो है वो वाई जेड है, क्यू जेड एक्स है और आर एक्स वाई है। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी dx अपॉन वाई जेड डीवाई अपॉन जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन एक्स वाई। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टू मेंबर्स को लेते हैं, यानी dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डीवाई अपॉन जेड एक्स। तो z से z कैंसिल हो गया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये x dx माइनस y dy इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के फर्स्ट और लास्ट मेंबर को लेते हैं तो वो है एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, इसे भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। इंटीग्रेशन के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू 5z प्लस 10 इंटू वाई माइनस 3x। इस इक्वेशन को हमें लैग्रांजेस मेथड से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन pp प्लस qq इज इक्वल टू r से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू 3 है और r इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी dx अपॉन p यानी 1, dy अपॉन q यानी 3 और dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टू मेंबर्स को लेते हैं यानी dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा dy माइनस 3dx इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। अब हम लास्ट 2 को लेते हैं dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z 10y माइनस 3x। तो y माइनस 3x कितना है c1, तो हम इसको y माइनस 3x की जगह क्या पुट कर देंगे c1 पुट कर देते हैं। तो जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा x लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 5z प्लस 10 c1 को कुछ और पुट करके जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 5 तो 5 इधर चला जाएगा 5 और log 5z प्लस 10 c1 माइनस log c2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू log 5z प्लस 10 c1 अपॉन c2 या log हटा दीजिए तो e की पावर 5x इज इक्वल टू 5z प्लस 10 c1 अपॉन c2 और e की पावर 5x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और c2 को लेफ्ट हैंड साइड में तो c2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 c1। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ y माइनस 3x कॉमा e की पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 c1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से लैग्रांजेस मेथड का यूज करते हुए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। अगर कोई सरफेस जो है गिवन कर्व से पास हो रहा है तो उस इंटीग्रल सरफेस की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई पी माइनस 2xyq इज इक्वल 2xz थ्रू ए कर्व x इज इक्वल टू टी y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू टी क्यूब। तो उस इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व से पास हो रहा है। तो गिवन इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म की है pp प्लस qq इज इक्वल टू r। इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो p q और r की वैल्यू हमें मिल जाती है यानी p इज इक्वल टू y, q इज इक्वल टू माइनस 2xy एंड r इज इक्वल टू 2xz। अब इसकी ऑब्जर्व इक्वेशन हो जाएगी dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2xy इज इक्वल टू dz अपॉन 2xz। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू मेंबर्स को लेते हैं कौन से dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2xy। तो x y से y कैंसिल हो जाएगा तो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू c1 और फिर हम लास्ट टू मेंबर्स को लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है yz इज इक्वल टू c2। अब हमें कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यू। तो हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में x y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इक्वेशन सेकेंड में, तो 2t² इज इक्वल टू c1 और इक्वेशन थर्ड में y z की वैल्यू पुट करते हैं तो t² इंटू tq इज इक्वल टू c2 यानी t की पावर 5 इज इक्वल टू c2। अब इक्वेशन 4 और 5 में से हमको t को एलिमिनेट करना है
तो आप इक्वेशन 5 देखिए, t की पावर 5 इज इक्वल टू सी टू है, तो इसके दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 10 इज इक्वल टू सी टू स्क्वायर। अब इसको देखिए, इक्वेशन 4 में t स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन के ऊपर पावर 5 दोनों साइड लगा देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते, तो ये जाएगा 32 टी की पावर 10 इज इक्वल टू 7 5, और टी की पावर 10 इज इक्वल टू 1/4 32 7 5। अब इन दोनों को कंपैरिजन के, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी सी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/32 7 5, और 32 सी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5। अब हम C1 और C2 की वैल्यू सेकेंड और थर्ड से इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, C1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल 5 इज इक्वल टू 32 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस है। तो आज हमने एक तो इंटीग्रल सरफेस निकाला, दूसरा लैग्रांजेस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।